अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, KSE100 आपके लिए लेकर आया एक नया सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, और साथ साथ जो है वो हम कंपनीज़ के चार्ट्स को भी देख लेंगे और उनकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल को भी डिस्कस करेंगे। तो जो लोग हमारे साथ हैं इस स्ट्रीम के ऊपर, वेलकम ऑन बोर्ड। सो लेट्स स्टार्ट विद मार्केट इंफॉर्मेशन। जो लोग न्यू हैं और हमारे मार्केट के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनके लिए कि जो वेबसाइट आप देख रहे हैं सामने, ये वेबसाइट जो है बेसिकली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की है, और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के थ्रू आप काम कर सकते हो। आपको एक ब्रोकरेज का अकाउंट चाहिए होता है, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे जो कि आपके साथ शेयर करेंगे लाइव। जो स्ट्रीमिंग के ऊपर है आपके साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर देंगे कि जहाँ से आपको पता चले कि अगर आप एक न्यू इन्वेस्टर हो तो आप किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कहाँ कहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है जिसकी बेसिस पे आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो दिस इज़ ऑफिशियल वेब पेज ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। इसकी लिंक है dps.psx.com.pk, और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सारी चीज़ें कि ये यहाँ पे इंडसीज हैं जो पाकिस्तान की मार्केट के अंदर जो है जनरली यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो की इंडेक्स है हमारी मार्केट का, दिस इज़ KSE100 इंडेक्स जो कि ओवरऑल मार्केट को रिफ्लेक्ट करता है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑल शेयर इंडेक्स है, जिसमें तमाम कंपनीज जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है वो तमाम की तमाम कंपनीज जो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती हैं। और इसी तरह KSE30 इंडेक्स जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ही आप समझे कि इंडेक्स समझा जाता है, बिकॉज KSE100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस की बेसिस के ऊपर हमारी मार्केट जो है वो होल्ड हो जाती है, तो बहुत सारे लोग इसको भी ट्रैक करते हैं। सिमिलरली KMI इंडेक्स, जितने भी इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट कंपनीज होती हैं वो इस इंडेक्स में क्लासीफाई होती हैं। इसी तरह बैंकिंग का है, OGDC के इंडेसीज जो हैं वो हमारे पास हैं। साथ में हमारे पास कुछ मार्केट्स होती हैं, टाइप ऑफ मार्केट लाइक रेगुलर मार्केट, फ्यूचर मार्केट, ऑड लॉट, स्क्वेयर अप एंड IPO। तो रेगुलर मार्केट तो बिल्कुल ऐसी होती है जिसके अंदर हम यूजुअली ट्रेड कर सकते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर, और फ्यूचर मार्केट के अंदर वो मार्केट जहाँ पे हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह की डिफरेंट मार्केट बनी हुई है, आप अपने ऑर्डर्स प्लेस करते हुए उस टाइम पे ख्याल करते हो कि आप किस मार्केट के अंदर अपना ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो। ऑड लॉट मार्केट के अंदर ये होता है, फॉर एग्जांपल कि आपको कभी बोनस शेयर इशू हो जाते हैं, कभी राइट्स आप ले लेते हो, तो वहाँ पे आपके पास एक जो नॉर्मल लॉट साइज़ होता है किसी भी कंपनी का, एक नॉर्मल लॉट साइज़ है, लाइक के वो 500 में ट्रेड होगा या 500 के मल्टीपल पर ट्रेड होगा, दैट मीन 500, 1000, 1500, 2000 इस तरह से ट्रेड हो रहा होगा, या फिर जो है वो उसकी कोई और लॉट साइज़ होगी कि मिनिमम शेयर इतने ट्रेड होंगे। तो ऑड लॉट के अंदर ये होता है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो आप उसको इस मार्केट के थ्रू जो है सेल कर सकते हो। स्क्वेयर अप मार्केट है, फिर IPO, इसका इतना ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता स्क्वेयर अप मार्केट का। IPO है, IPO जब कोई भी इनिशियल कंपनी जो है वो आती है मार्केट के अंदर लॉन्च होती है तो वो अपना IPO स्टार्ट करती है और IPO के थ्रू आती है, तो ये भी ओकेजनली आता है जब कोई IPO आता है, उसके अलावा नहीं होता। बाकी यहाँ पे नीचे आप जो है वो मार्केट परफॉर्मर को देख सकते हो कि टॉप एक्टिव स्टॉक इन अ डे कौन से हैं, तो ये सारे स्टॉक्स आ रहे हैं आपके सामने, उनकी प्राइसेस आ रही हैं, उनका चेंज आ रहा है, उनका वॉल्यूम रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं कि हाईएस्ट वॉल्यूम इज़ ऑन अ टॉप साइड, सो 41 मिलियन KL में काम हुआ, 11 मिलियन शेयर्स का यूनिटी फूड्स में हुआ, 10 मिलियन शेयर्स का हैस्कोल में हुआ, एंड सो ऑन। इसी तरह से टॉप एडवांसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के, किसने सबसे ज़्यादा परसेंटेज अचीव किए, तो नाउ यू कैन सी दैट द परसेंटेज ऑफ द कंपनीज के, जिनकी परसेंटेज लाइक के UCAPM कंपनी जो ये यूनिकैप मुदारबा है, इसने जो है 393% का जो है गेन किया इन अ डे। सिमिलरली GRYL, FCIBL, PSL इन सब के अंदर जो है काफ़ी गेन देखने को मिला। ये टॉप डिक्लाइनर्स हैं, टॉप डिक्लाइनर PKGI, DKL, सारे के सारे हम इसको कह सकते हैं कि कचरा स्टॉक्स हैं जो कि टॉप डिक्लाइनर की कैटेगरी में आ रहे हैं, और ये सब मोस्टली जो है वो कचरा स्टॉक्स हैं जो कि एडवांसर की कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पे वॉच लिस्ट डाल सकते हो। वॉच लिस्ट मीन कि आप किसी शेयर को ट्रैक कर रहे हो, तो आप लेट सपोज हम यहाँ पे जो है वो MLCF को एंटर करते हैं, तो MLCF को यहाँ पे डाल देंगे, तो MLCF जो है वो यहाँ पे दिख रहा होगा, या जो भी हमारा पोर्टफोलियो था हम उसको यहाँ पे जो है वो डाल सकते हैं, तो हमें हमारा पोर्टफोलियो दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और कंपनी है, लेट सपोज एंग्रो फर्टिलाइज़र, तो मैं उस एंग्रो फर्टिलाइज़र को भी यहाँ पे डाल देता हूँ, तो मेरे पास अब यहाँ पे दो कंपनीज शो हो रही हैं, इसकी प्राइसेस, इसका चेन, डे रेंज, सर्किट ब्रेकर्स एंड वॉल्यूम्स, सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी। इससे हट के अगर आपको किसी भी सेक्टर को देखना है, पर्टिकुलर सेक्टर को, कि सेक्टर की कंपनीज कौन सी हैं, तो आप यहाँ से सेक्टर सेलेक्ट कर सकते हैं,
उन सेक्टर पे जाके लेट से ऑटोमोबाइल असेंबलर, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमोबाइल की सारी कंपनीज आ गई जो कि यहाँ पे शो कर रही हैं। इसके अंदर फर्दर अगर आपको क्लासिफिकेशन या फिल्टर करना है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास KSE30 की KMI30 की आ जाए, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा, तो ये वो कंपनीज हैं जो कि ऑटोमोबाइल असेंबलर की कैटेगरी में फॉल करती हैं और उसके बाद ये KMI30 इंडेक्स में भी लिस्टेड है। इसी तरह मैं KSE100 में कर दूंगा, तो ये वो 5 कंपनीज हैं जो कि ऑटोमोबाइल असेंबलर की कैटेगरी में है, सेक्टर के अंदर क्लासीफाई हुई हुई हैं और साथ में KSE100 इंडेक्स में ये 5 कंपनीज ऑटो सेक्टर की पाई जाती। तो आप यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन जो है निकाल सकते हो। आई होप कि दिस इज़ क्लियर। ये सब चीज़ें बहुत सारे लोगों को पता होंगी पहले से, लेकिन ये उनके लिए जो बिल्कुल न्यू कमर्स हैं और जिनको अभी तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट को देखना नहीं आया कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट जो वेबसाइट ऑफिशियल वहाँ से डेटा किस तरह से कलेक्ट करते हैं सारी चीज़ें, तो ये नया पोर्टल है डेटा पोर्टल, ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर्स के साथ बनाया गया है, तो दिस इज़ वेरी गुड। फर्दर इसमें एक और चीज़ है जो कि आप पी रेशोज़ वगैरह यहीं से देख सकते हो, तो आप यहाँ पे स्टॉक स्क्रीनर में आ सकते हो, स्टॉक स्क्रीनर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे स्क्रीनिंग चल रही है कि आपको जिस भी सेक्टर को पिक करना है, फॉर एग्जांपल ऑयल एंड एक्सप्लोरेशन सेक्टर को पिक करते हैं, उसके बाद इंडेक्स जो है KSE100 इंडेक्स रखते हैं, तो आप यहाँ नीचे आओगे तो देख लोगे ये 4 कंपनीज आ रही है जो हमारे ENP सेक्टर के अंदर हैं, उनका मार्केट कैप, उनकी प्राइस, उनका 1 ईयर चेंज, उनका पी रेशो, जिस TTM स्टैंड फॉर ट्रेलिंग 12 मंथ, जो लास्ट उनकी एनुअल अर्निंग है और करंट प्राइस की बेसिस पे जो उनका पी रेशो है ये वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर पी रेशो की बेसिस पे बात करें तो कौन सी कंपनी का पी रेशो सबसे लोएस्ट है, तो अकॉर्डिंग टू द पी रेशो PPL का जो पी रेशो सबसे लोएस्ट है, दैट मीन्स कंपेयर टू अदर प्लेयर्स PPL इज़ ऑन अ चीपर रेट कंपेयर टू अदर ENP प्लेयर्स। तो सिंपल सी इसकी ये आप इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। तो जो लोग हमारे साथ लाइव हैं तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और चैट करके बताएं आपको मेरी वॉइस क्लियर है, अगर कोई इशू है तो आप मुझे बता सकते हो, चैट के ऊपर लिखो जो मेरे साथ हैं अभी करंटली इस सेशन के अंदर। तो अभी तक मेरे पास जो है वो 6 की काउंटिंग आ रही है कि 6 पीपल आर वॉचिंग मी एंड 4 लाइक्स, तो अभी भी 2 लोगों ने लाइक नहीं किया है, तो लाइक करें इस वीडियो को, दबा दो, हिट द लाइक बटन। तो चलिए, कल जो हमने एक लाइव सेशन किया था उसके अंदर जो है KSE100 इंडेक्स के बारे में हमने बता दिया था कि KSE100 इंडेक्स की सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहाँ बनती है। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि किस कंपनी का चार्ट जो है वो हमें देखना चाहिए, तो फिर हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। तो लेट्स पिक वन रैंडम कंपनी। किसी ने कल मुझसे कहा था कि सिस्टम लिमिटेड को जो है वो देखा जाए, आई गेस फहाद साहब थे कोई, उन्होंने कहा था कि सिस्टम लिमिटेड का जो है वो टेक्निकल रिव्यू और उसका फंडामेंटल रिव्यू भी जो है वो आप हमें बताइएगा। तो मैं सिस्टम लिमिटेड को सबसे पहले पिक करता हूँ और फिर वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सिस्टम लिमिटेड से क्या है। तो सबसे पहले टेक्निकल साइड सिस्टम की, तो सिस्टम्स का जो है ये SYS इज अ सिंबल, इसको आपने क्लिक कर दिया तो आपके पास ये चार्ट ओपन हो गया है सिस्टम्स लिमिटेड का। तो थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल डाउन करें या जूम आउट करें, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर चैनल के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा था और उसके बाद इसने चैनल को ब्रेक करके अपनी न्यू जर्नी स्टार्ट करी थी। तो मोर और लेस इसने अपने जो गैप्स थे वो काफ़ी ओपन कर लिए। तो जो एक गैप ये था इसने, ये वाला जो पूरा गैप था, लेट्स से हम इसको कंसीडर करते हैं कि ये पूरा एक गैप था, तो ये कवर कर चुका है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। अब ये वाले गैप्स जो हैं ये बाकी हैं, इसका मतलब है सिस्टम जो है वो वापस से ऊपर आएगा और अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस द स्टॉक मस्ट क्लेम टू 120। करंट रेट जो है वो है 107, तो 120 रुपये तक ये जा सकता है और 120 के बाद जो इसका ये वाला गैप है ये इसको भी फिल करेगा जो कि है 128 पे। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 107 से 128 तक की जर्नी ये बना सकता है आराम से, लेकिन सिचुएशन डिपेंड करती है कि मार्केट कंडीशंस क्या होंगी उसकी बेसिस पे। अगर मार्केट जो है वो वॉलेटाइल रहती है, मार्केट के अंदर जो है वो डलनेस रहती है, तो फिर
आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये जो जर्नी है ये रुक सकती है, क्योंकि इसकी पहली रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो इसकी रेजिस्टेंस जो है यहाँ पे फॉल कर रही है, तो आपको ये चीज़ देखनी होगी। दिस इज़ द रेजिस्टेंस लेवल, तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कि अगर ये ऊपर आता है स्टॉक तो 114 से 115 और 116 का लेवल होगा जहाँ पे ये स्टॉक रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करी है, अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन जो है वो यहाँ पे बिल्ड है इस लेवल पे ये वाला, तो यहाँ वाली पोजीशन के अंदर आप जो है वो इसको अगर आपने बाई किया हुआ है तो आप यहाँ पे आके इसको पार्शियली ऑफसेट कर सकते हैं, मीन्स कि पार्शियली ऑफलोड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को, और फिर आप वेट कर सकते हैं। अगर ब्रेकआउट देता है इस लेवल को तो फर्दर स्ट्रेच होगा 120 की तरफ, वरना फिर ये यहाँ से डिक्लाइन कर सकता है। उसके बाद अगर हम इसके अंदर इंडिकेटर्स ऐड करें RSI, तो RSI को ऐड करते हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इस RSI की बेसिस पे हम ये चीज़ देख सकते हैं कि RSI में एक शार्प इंक्लाइंड आया है। RSI जो है काफ़ी रिड्यूस हो रही थी, जो कि ये लेवल है, इट वॉज डिक्लाइनिंग, लेकिन जो है अब इसके अंदर एक शार्प पुल बैक आया है, और ये शार्प पुल बैक की वजह से आपने देखा कि इसके अंदर तेज़ी भी हमने देखी स्टॉक में, कि बैक टू बैक इसने जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे 6 रुपये, ऑलमोस्ट 7 रुपये और 7 रुपये, तो 7.5 रुपये, 14.5 रुपये का गेन जो है इसने अचीव किया है जस्ट इन 2 सेशंस। तो ये भी एक बात है, लेकिन अगर वॉल्यूम्स को अलाइन करें तो वॉल्यूम्स जो है वो रिलेटिवली लो थे, तो ये अपसाइड जो है थोड़ा वीक भी हो सकती है अगर मार्केट के अंदर प्रेशर जो है वो एग्जिस्ट करता है। सेकंड चीज़ इसका मैकडी पे आते हैं और मैकडी को भी देख लेते हैं। तो मैकडी के अंदर भी पॉजिटिव साइन जो है वो देखने को मिला है कि यहाँ से ये जो है इसको थोड़ा सा अगर ब्रॉड करें, नाउ यू कैन सी दैट कि दिस इज मूविंग, और ये जो एक स्टीप डिक्लाइन का फेस था उस स्टीप डिक्लाइन के बाद ये अपने आप को कर्व कर रहा है और ये वापस अप्रोच कर रहा है इस रेड लाइन की तरफ। और अगर हम हिस्टोग्राम को भी देखें तो हिस्टोग्राम की बेसिस पे भी जो है वो आप ये देख सकते हो कि हिस्टोग्राम शिफ्ट हो रहा है ग्रेजुअली, इसका जो डाउन प्रेशर था वो रिलीव हो रहा है। सो दिस इज़ द लेवल, तो आई होप कि आप साथ साथ देख रहे होंगे कि जो हम यहाँ पे चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं वो किस तरह से कर रहे हैं, और उसकी जो टूल्स हैं वो हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, जो कि आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं और खुद से चार्ट जो है वो इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे रिलीव कर रहा है, इसका मतलब है अगर ये यहाँ से शिफ्ट करता है अपवर्ड तो इसके अंदर और ज़्यादा अपसाइड देखी जा सकती है। अगर मार्केट सस्टेन कर गई तो इंशाल्लाह ये स्टॉक जो तकरीबन 120 रुपये तक आराम से जा सकता है। 120 रुपये पे अगर ये गया तो फिर इसकी जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी वो बनेगी 123 के लेवल पे, अगर इसने 120 को टच किया तो, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉलीटिलिटी है तो ज़रूरी नहीं कि 120 पे ये एग्जैक्टली 120 पे रुके, बट ये हो सकता है कि ये वहाँ से टच करके ऊपर एक 123 के लेवल पे भी जा सकता है और वहाँ पे जाके ये रेजिस्ट कर सकता है। क्योंकि वहाँ पे अगर हम देखें तो लास्ट जो हमारी पहली वाली स्ट्रीमिंग थी उसके अंदर मैंने बताया था कि ये वाला जो लेवल है दिस इज़ कॉल्ड इनिशियली इट वॉज सपोर्ट लेवल, but now it becomes a resistance level at this level. So you can see one time support at this point and the second support is at this point. So ye wala jo level hoga ye kitna hai, almost 124. So 123 to 124 would be a supply zone area for this stock. To chaliye iske fundamentals ko agar hum dekhen to fundamentals pe chale jate hain. Systems limited, यहाँ से शॉर्ट एक व्यू मिल जाएगा हमें स्टॉक मार्केट की वेबसाइट से कि इसके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं। तो इसका जो पी रेशो है दिस इज़ 9.59 अभी करंटली, तो आपको पी रेशो जो है वो कंपेयर करना पड़ेगा डिफरेंट कंपनीज के साथ, तो आपको एक बेटर आइडिया हो सकता है। इसके फाइनेंशियल्स पे जाते हैं तो 2019 के अंदर कंपनी की जो अर्निंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, 11.05 की EPS रिपोर्ट की गई है। 2008 में ये EPS थी 8.19 और 2017 में इसकी EPS थी 4.24। तो अगर हम रिलेटिवली देखें तो 2017 से 2018 का जंप बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल जंप है,
लेकिन जो है 2019 के अंदर जो है वो जंप थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है परसेंटेज ग्रोथ में, बट स्टिल इज मच बेटर हिस्टोरिकली हाई। और अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो क्वार्टर वन में 2.55 की अर्निंग, फिर 4.24 की, और क्वार्टर थ्री में अर्निंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिप आया। और अब ये वाला डिप जो है आप क्वार्टर जो फोर क्वार्टर होगा फोर्थ क्वार्टर में भी आप डिप देख सकते हो, क्योंकि जो सिनेरियोस चल रहे हैं उनकी बेसिस के ऊपर, और उससे ऑनवर्ड भी 2020 के अंदर भी आप इसकी अर्निंग के ऊपर जो थोड़ा सा डिप देख सकते हो, जिस वजह से इसके अंदर जो है डिक्लाइन हमने देखा है कि स्टॉक के अंदर काफ़ी डिक्लाइन है। ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस मार्जिन कंपनी के काफ़ी जो है वो सस्टेनेबल है। ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट फोर ईयर्स 26 से 29% से 29.62 एंड देन 31.33 33 पॉइंट, और सिमिलरली नेट मार्जिन भी ऑलमोस्ट स्टेबल रहे, इतना ज़्यादा कोई फ्लक्चुएट नहीं हुआ, विच इज़ अ गुड साइन। EPS ग्रोथ डिक्लाइन हुई है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल चीज़ें अभी भी कंट्रोल में। इसको आप फर्दर किसी कंपनी के फंडामेंटल देखने तो आप STS ट्रेड की वेबसाइट को यूज़ कर सकते हो, STSTrade.com। यहाँ पे जाके आप जो है वो इसको मेंशन कर सकते हैं कंपनी के नाम को, तो आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी के फंडामेंटल इन अ डीप डाउन क्या हैं, क्या इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो है या नहीं है। तो ये पोर्टल बहुत ही अच्छा पोर्टल है, यहाँ पे सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको आराम से मिल जाती है। तो देख लेते हैं, अभी तक किसी का कोई मैसेज नहीं आया तो, और मेरे पास करेंटली 8 लोग जो हैं वो शो हो रहे हैं। तो अगर आपको किसी कंपनी का नाम देना है तो आप हमें कमेंट करके बता दें, या आप जो है वो चैट बॉक्स में लिख दे जाके जिस कंपनी को आप देखना चाहते हैं। तो ये लेवल है, ये वेबसाइट है जहाँ से आप देख सकते हो कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस इन अ वन मंथ पीरियड की रिटर्न क्या रही है, 3 मंथ पीरियड, 6 मंथ और 1 ईयर के अंदर। तो ये सारी चीज़ें, कंपनी का बीटा भी आप यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी का बीटा इज़ 1, दैट मीन दिस कंपनी इज़ इक्वली रिस्की एज़ कम्पेयर टू मार्केट। जितना मार्केट में रिस्क है उतना ही इस कंपनी में रिस्क एग्जिस्ट करता है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि ये हिस्टोरिकल इसकी अर्निंग का व्यू है कि हिस्टोरिकली अर्निंग जो है वो कितनी रही थी, 4.9 एनुअल अर्निंग्स, अर्निंग पर शेयर 2005 में 4.09, एंड देन यहाँ पे एक सब्सटेंशियल जो है वो इंक्रीज़ आया। अब ये सब्सटेंशियल इंक्रीज़ को एनालाइज करने के लिए आपको कंपनी के फाइनेंशियल को गो थ्रू करना पड़ेगा कि ये जो जंप आया है ये क्यों आया है, ये कोई वन ऑफ जंप है या फिर ये किस वजह से जंप जो है इसके अंदर देखा जा रहा है। दिस इज़ अ मेन कंसर्न फॉर इन्वेस्टर कि उसका जो जंप है वो वन ऑफ है या नहीं। अगर वन ऑफ इवेंट है आया है, ये जो 4 रुपीज़ का जो गेन आया है, इफ़ इट इज़ अ वन टाइम इवेंट, तो आपको अपनी एनालिसिस में इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, आप उसको इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। सिमिलरली प्राइस टू अर्निंग रेशियो फोर्थ क्वार्टर की बेसिस पे 12.95 है, ये डिफरेंट हो सकता है, जो हमने स्टॉक की वेबसाइट पे देखा था वहाँ पे जो था वो 9.59 था और यहाँ पे जो है चेंज है। तो इनका डेटा है क्योंकि ये फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग की बेसिस पे निकाल रहे हैं, इस वजह से इस वाले रेशियो में और वहाँ वाले रेशियो में चेंज हो सकता है, बट दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग के 9.12 का रेशो होगा। तो जनरली हमारे मार्केट के अंदर इन्वेस्टर या म्यूचुअल फंड के जो क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि अगर पी रेशो लेस देन 10 है तो वो चीप स्टॉक होता है, उसको समझा जाता है। इसी तरह से ये टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में आता है, और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर की जो जनरली पी रेशो होते हैं वो हाई होते हैं, वो लो नहीं होते हैं। आप इस वेबसाइट के थ्रू इसकी क्वार्टरली अर्निंग देख सकते हो लास्ट 5 ईयर्स की, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो आराम ईजिली। आप इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो कि परफॉर्मेंस क्या रही है विद रिस्पेक्ट टू मार्केट, के मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया। हम यहाँ से देखेंगे ये ऑलमोस्ट दिसंबर तक ये नवंबर तक जो है ये ऑलमोस्ट मार्केट के लेवल पे चल रहा था, लेकिन नवंबर दिसंबर से इसने अपना एक जो है जर्नी स्टार्ट की, जिसके अंदर इसने मार्केट से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। ये इसकी कुछ इक्विटी रेशियोज़ हैं, बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू जो बनती है बेस्ड ऑन थर्ड क्वार्टर इन्फॉर्मेशन फंडामेंटल नंबर जो है वो 39.55 बनती है, और ये कंपनी जो है वो ट्रेड हो रही है ऑलमोस्ट 105 पे, विच इज़ फार हायर देन इट्स बुक वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड बुक वैल्यू जो है वो 48 की हो सकती है। बुक वैल्यू ये रिप्रेजेंट करती है कि कंपनी की प्राइस बेस्ड ऑन दी कैरिंग एसेट्स, जो एसेट्स हैं उसकी बैलेंस शीट के ऊपर
उस एसेट्स की बेसिस पे उस कंपनी की प्राइस जो है वो 39 बनती है, जबकि मार्केट की प्राइस जो है वो डेविएट कर रही है। अब मार्केट की प्राइस के अंदर दो वजह से बढ़ सकती है, या तो इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा बुलिश हो या फिर स्पेकुलेशन। तो अगर कोई आपको फिर यहाँ पे देखना होता है कि ग्रोथ स्टोरी अगर है तो वो प्राइस जस्टिफाई करिए, हाई प्राइस जस्टिफाई करती है। अगर ग्रोथ स्टोरी नहीं है तो फिर हाई प्राइस जो है वो जस्टिफाई नहीं करती है। कंपनी की रिटर्न ऑन एक्विटी इज़ 24.75%। इसी तरह से आप इसके हिस्टोरिकल ट्रेंड देख सकते हो कि आरओई को सिर्फ मैं देख लूँ तो ये मेरे पास आरओई है। तो कंपनी की आरओई जो है वो डिक्लाइनिंग फेज में थी 2014 से 2017 तक। 2018 के अंदर जो है इट्स यू कैन से दैट कि ये यहाँ से जंप आना स्टार्ट हुआ है इस कंपनी की प्रॉफिट्स के अंदर। यहाँ से मोस्ट प्रॉबली कि इस कंपनी ने कोई न्यू सर्विसेज लॉन्च की होंगी, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया होगा इन अ जनरल वे, या फिर जो है कोई न्यू मार्केट टैप की होगी जिसकी वजह से, या कोई न्यू ऑर्डर इन्होंने जो है वो ग्रैब किए होंगे जिसकी वजह से इनकी अर्निंग्स के अंदर बूस्ट आना स्टार्ट हुआ। अगर हम इसकी डिविडेंड्स के ऊपर आएँ कि क्या कंपनी डिविडेंड पे आउट करती है नहीं करती, तो आप इसको यहाँ से ऑफ करके देख सकते हो कि कंपनी ने 2014 में सिर्फ 1 रुपीज़ का डिविडेंड दिया, फिर 1.25, 1.86, 1.7 एंड 2 रुपीज़। तो ग्रेजुअली डिविडेंड के अंदर जो है हमने इंक्लाइन देखा है। लेकिन अगर डिविडेंड यील्ड देखें तो डिविडेंड यील्ड जो है 2016 के बाद से डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई है, कि कंपनी जितना अर्न कर रही है उतना ज़्यादा दे नहीं रही है। मे बी कंपनी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लान कर रही हो और वो कंपनी वहाँ पे स्पेंड कर रही हो। अगर कंपनी का रिटेंशन पे आउट रेशियो देखें तो पे आउट रेशियो 20% ऑफ द अर्निंग कंपनी ने 2014 में पे किया था। जो हाईएस्ट पे किया है दैट इज़ इन 2017 के अंदर हाईएस्ट पे किया था 41.34% अपनी अर्निंग का उन्होंने एज डिविडेंड पे आउट दिया था, और उसके बाद से वापस से डिक्लाइन आया है 2018 में। दिस मस्ट बी शोइंग कि कंपनी ने कोई एक्सपेंशन प्लान किए जहाँ पे कंपनी ने अपना जो है लगाया। अगर सेल्स की बेसिस पे देखें तो कंपनी जो नंबर ऑफ शेयर बेसिस पे सेल्स बना रही है वो ऑलमोस्ट एक कह सकते हैं कि सस्टेनेबल मैनर के अंदर बना रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30.47 जो है पर शेयर सेल्स कंपनी जो है वो जनरेट करी 2018 तक, और करंट क्वार्टर के अंदर 30.47 एक्सपेक्टेड सेल्स। तो जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि 41.12 तक चली जाएगी। ये एक्सपेक्टेड सेल्स है अकॉर्डिंग टू SCL डेटा के है, ये हमारे अकॉर्डिंगली नहीं है, हम इस डेटा को जस्ट रिव्यू कर रहे हैं। तो इस कंपनी की नेट प्रॉफिटेबिलिटी आप यहाँ से मार्जिन देख सकते हैं, ग्रॉस मार्जिन को पहले चेक कर लेते हैं। तो ग्रॉस मार्जिन जो है वो डिक्लाइन हुए हैं 2016 तक, और 2016 के बाद ग्रॉस मार्जिन जो है वो स्टेबल होना स्टार्ट हुए हैं और इवन इंक्रीजिंग ट्रेंड के ऊपर है। अगर हम नेट मार्जिन की बात करें तो नेट मार्जिन के अंदर जैसे कि ऊपर भी बात कर चुके हैं नेट मार्जिन के बारे में, इंटरेस्ट कवर रेशियो इज क्वाइट गुड ऑफ दिस कंपनी 57%। टाइम इंटरेस्ट अर्न अवेलेबल नहीं है, और डेट भी अगर देखें तो लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो 2.58 विच इज़ वेरी लो। दैट मीन्स कि इस कंपनी के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट का जो बर्डन है, फाइनेंस कॉस्ट का बर्डन है, वो काफ़ी लोअर साइड पे कंपेयर टू अदर कंपनीज। तो इंटरेस्ट रेट के बढ़ जाने का ज़्यादा इम्पैक्ट इसके ऊपर नहीं आएगा। जबकि अगर इस कंपनी का टोटल डेट देखें तो टोटल डेट 21% है, मीन्स कंपनी मोर हैविली रिलाइंग ऑन द शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज रादर दैन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। तो शॉर्ट टर्म पर ज़्यादा फोकस है जिसके अंदर कंपनी बेनिफिट अचीव कर सकती है कि शॉर्ट टर्म लोन्स को रोल ओवर करके अपनी फाइनेंस कॉस्ट को इजीली मैनेज कर सकती है। करंट रेशियो जो है वो 3.65 times है विच इज़ गुड अगेंस्ट 1 unit ऑफ लाइबिलिटी। इफेक्टिव टैक्स इज वेरी लो 4.32 एंड क्विक रेशियो इज 4.21। तो आई होप कि दिस इज मच क्लियर कि अगर आपको इन फ्यूचर किसी को और कंपनी को भी देखना हो तो आप आराम से देख सकते हैं। सो जल्दी से हम बात करते हैं MLCF की एक और कंपनी, सीमेंट सेक्टर के अंदर आती है कंपनी। और अगर इस कंपनी को देखें तो इस कंपनी ने भी अपना एक हॉरिजॉन्टल चैनल बनाया था। इसको यहाँ से ड्रैग करते हैं ज़रा। दिस इज द लेवल। सो उसके बाद इसने ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे इसने जो है वो इस लेवल को सस्टेन किया।
दिस इज़ द लेवल जहाँ पे इसने एक सस्टेनेबिलिटी दिखाई है। तो अगर आपके पास इसकी लॉन्ग पोजीशंस हैं और आप प्लान कर रहे हैं कि इन फ्यूचर क्या होगा, तो यू कैन टेक इट एज अ सपोर्ट लेवल 16.53। अगर ये इससे बिलो पे क्लोजिंग देता है, लेट्स से यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस एट दिस लेवल, दिस कुड बी योर स्टॉप लॉस, और बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट आप इसको सेट कर सकते हैं कि दिस इज़ माई स्टॉप लॉस। तो अगर ये यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका हिट करता है, तो आपको सेल करके क्विकली एग्जिट लेना होगा, आप यहाँ पे होल्ड नहीं कर सकते। दिस इज योर स्टॉप लॉस। सो तो ये जो लेवल है 16.60, ये जो लो है इसका वो है 16.73। अगर स्टॉक इससे ऊपर पर ट्रेड होता है तो दिस इज़ गुड, और जो आपके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस आप फेस करोगे, दिस इज़ द फर्स्ट रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक। यू कैन एक्सपेक्ट कि ये इसकी फर्स्ट रेजिस्टेंस होगी, मींस के 18.70। अभी करंटली स्टॉक जो है वो 17.99 पे, तो इसके अंदर ऑलमोस्ट आप समझे कि 18.70 इज़ अ स्टिफ रेजिस्टेंस। अगर ये इसको ब्रेक करता है देन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 20.21। सो दिस वुड बी द टारगेट प्राइस इन अ शॉर्ट टर्म पीरियड। सो दिस वुड बी द टारगेट प्राइस। सो दिस इज योर टारगेट प्राइस। Now you can see that. अगर हम इसके इंडिकेटर्स को अलाइन कर लें, तो इंडिकेटर्स के अंदर है हम ये देख सकते हैं कि जो RSI है वो शिफ्ट कर रहा है ऊपर की तरफ, which is a good sign. RSI is shifting from downward to upward. This is a good sign, first thing, जो कि हमारे overall conclusion, overall stance को जो support कर रहा है। उसके बाद अगर हम MACD को देखें, तो MACD भी जो है वो इसी तरह से मूव कर रहा है, और ये जो हिस्टोग्राम लाइंस हैं ये भी आपकी जो है इसी तरह से मूव कर रही है, जो कि एक पॉजिटिव आउटलुक को जो है रिप्रेजेंट कर रही है। सो दिस इज गिविंग अ मोर एविडेंस और मोर वेटेज टू आर लॉन्ग स्टांस, कि अगर आपकी लॉन्ग पोजिशन है तो यू मस्ट कैरी रादर देन टू सेल। सो इसको स्मॉल करें, तो नाउ यू कैन सी दैट हाउ ब्यूटिफुली डन विद दिस चार्ट, कि ये लाइन्स हमने इतना ईजिली ड्रॉ कर दी और इसके लेवल्स जो आइडेंटिफाई कर दिए। ऑब्वियसली हर टेक्नीशियन का अलग एक वो होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये लेवल जो है ये जो हमने निकाले यही एक्यूरेट लेवल हो। इस कुड बी ट्रेड इन रेंज ऑफ दिस रेंज लाइक 20.36 to 20.90, और मे बी टच दिस रेजिस्टेंस लाइन जो कि 20.95 or 21 का लेवल, तो इसी के आसपास जो है ये ट्रेड कर सकता है। तो आपको ये चीज़ देखनी होगी। तो अगर आप लोग हैं मेरे साथ, मेरे पास ये फ्रेश नहीं हो रहा, अगर आप लोग साथ हैं तो कमेंट करके बताइए आपको मेरी आवाज़ सही से आ रही है। आई एम जस्ट वेटिंग। ओके, आपकी चैट्स आ रही है मेरे पास। मेरे पास ये अपडेट नहीं हो रहा था, कोई ग्लिच था यूट्यूब का। मैं चैट देख लेता हूँ। सर पोल EPCL बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, टाइम शुड बी आफ्टर 9। ओके आमिर साहब, हम जो है वो 9 पे भी देख लेंगे लाइव स्ट्रीमिंग करके, बेफिक्र रहें आप। पेल एंड हपको हैस्कोल MLCF का बता चुका हूँ मैं, HUBC एंड पेल सर पोल EPCL आमिर साहब व्हाट्स बेटा इज मोर देन 1 or 1.5। बीटा इज़ 1 or 1.5 मीन्स के हाईली रिस्की जो मूवमेंट होती है मार्केट के साथ, बीटा इज़ रिप्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप ऑफ स्टॉक एंड मार्केट। तो अगर 1 से अबव होता है तो वो ये रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो स्टॉक है वो मार्केट से ज़्यादा मूव लेगा। फॉर एग्जांपल अगर मार्केट 1% ऊपर जाएगी तो आपका स्टॉक जो है वो 1.5% ऊपर जाएगा। अगर बीटा 2 है तो इसका मतलब है कि वो मार्केट से ज़्यादा रिस्की है। मार्केट अगर 1 unit ऊपर इंक्रीज़ होगी तो आपका स्टॉक जो है वो 2 unit इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं, तो उसका रिस्क जो है वो ज़्यादा होता है। ओके तो जल्दी से हम जो है वो पेल का चार्ट ओपन करते हैं ऑन योर डिमांड।
तो पेल के चार्ट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेल के चार्ट में तमाम चार्ट जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर जो है वो शो कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये एक लाइन जो कि अभी अभी देखी है, ये वाली, दिस इज दी सपोर्ट लाइन। सपोर्ट लाइन, वाई आई एम सेइंग दिस सपोर्ट लाइन, बिकॉज के यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक बार सपोर्ट ली थी, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, और फिर उसके बाद ये इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दे के यहाँ पे ये घूम रहा है। तो दिस एरिया और इसकी क्लोजिंग जो है वो 17.42 से ऊपर है। तो अगर स्टॉक जो है वो इस एरिया से ऊपर ट्रेड होता है मंडे को, तो आप इसके अंदर जो है वो अपनी लॉन्ग पोजीशन को कैरी कर सकते हैं, और अगर स्टॉक जो है वो इस एरिया से बिलो जाता है तो फिर आप जो है इसके अंदर अपनी पोजीशंस को या तो सेल कर सकते हैं या फिर आप इसको थोड़ा रिस्क लेना है तो आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये याद रखिएगा कि दिस इज़ योर स्टॉप लॉस, दिस इज़ योर स्टॉप लॉस बिलो दिस पॉइंट। तो अगर स्टॉक जो है वो इससे नीचे चला जाए तो प्लीज़ इमीडिएटली एग्जिट लेना होगा। आप वहाँ पे वेट नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट के अंदर फिर से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये बात हम कल भी कर चुके हैं कि मार्केट में जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहती है, तो रादर देन बेयरिंग अ ह्यूज लॉस, यू कैन रियलाइज स्मॉल लॉस एंड गेट एग्जिट फ्रॉम दिस लेवल। बाकी मोमेंटम इंडिकेटर्स आर शोइंग पॉजिटिव साइन, दिस मूव अपवर्ड, दिस इज गुड, एंड अगेन दिस इज ऑल्सो शोइंग द लो स्ट्रेंथ ऑफ डाउन ट्रेंड। तो ये भी एक गुड साइन है यहाँ पे, जो कि आपको दिख सकता है कि यहाँ से डाइवर्जेंस आई थी, उसके बाद ये इसने अपनी कर्व शेप जो है वो चेंज करने की कोशिश की है। सो नाउ यू कैन सी क्लियरली, सो दिस इज़ हाउ इट्स मूविंग, इट्स अ गुड साइन। तो पहल के लिए जो लोग अभी इसके अंदर लॉन्ग पोजिशन के ऊपर हैं वो इस चीज़ को ख्याल करें कि अगर ये 17.45 और 17.30 के लेवल से बिलो पर ट्रेड करता है तो यू हैव टू सेल, अदरवाइज यू हैव टू कैरी योर लॉन्ग पोजीशंस। और जो अपसाइड टारगेट होगा फॉर इंटरडे बेसिस, दैट वुड बी दी इंटरडे बेसिस टारगेट। यू कैन एक्सपेक्ट के आप अगर इसके अंदर चल रहे हैं तो दिस वुड बी योर टारगेट लेवल, जहाँ पे आप अपनी पोजीशंस जो है वो अपलोड कर सकते हैं इफ स्टॉक सस्टेन दिस 17.42 लेवल। तो आई होप इट्स क्लियर नाउ पहल के लिए। और किसी की कोई इंफॉर्मेशन? हेलो, डू यू वर्क फॉर अ फर्म? नो डियर, इट्स अ सोलो, सो आई एम अ सिंगल पर्सन जो कि काम कर रहा है, किसी फर्म के लिए एसोसिएटेड नहीं है। प्लीज़ एक्सप्लेन बीटा। सो बीटा आमिर साहब एक्सप्लेन कर चुका हूँ, बीटा सेंसिटिविटी को, रिस्क को शो कर रहा होता है किसी भी कंपनी के। पोल EPSL के बताएं, नहीं मकतर साहब कहते हैं पोल के बारे में बता दें, तो पोल को देख लेते हैं। तो पोल उसके साथ साथ आपका जो है वो OGDC, आपका PPL, ये सारे के सारे जो हैं वो लिंक हैं इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से। ये बहुत ज़्यादा गैप्स इन्होंने ओपन किया हुआ है, जो कि गैप्स भी फिल होंगे जब ऑयल की प्राइसेस जो हैं सस्टेन होंगी और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और जो अभी ऑनगोइंग जो प्रेशर चल रहा है इकोनॉमी के अंदर, जब ये प्रेशर रिलीज़ होगा तो तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वापस से अपनी नॉर्मल रूटीन पर आ जाएंगी। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि इस स्टॉक जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर आया है। अगर हम यहाँ पे इसका इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, ये देखें एक स्मॉल कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर ये स्टॉक नज़र आ रहा है। तो इस स्टॉक का इस लेवल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है 261 के लेवल को, तो फिर इसके अंदर वापस से नेगेटिव मोमेंटम स्टार्ट होगा। और अगर इसने 261 के लेवल को ब्रेक किया तो फिर हम इसके अंदर थोड़ी पॉजिटिव साइन जो है वो देख सकते हैं। बाकी मोमेंटम इंडिकेटर ऑलमोस्ट तमाम मार्केट के जो है वो पॉजिटिव इंडिकेट कर रहे हैं करंटली, लेकिन मार्केट के अंदर जो बिहेवियर है वो भी मैटर करता है कि मार्केट का बिहेवियर कितना ज़्यादा जो है स्ट्रांगली नेगेटिव है या फिर जो है ना वीक है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ शिफ्ट करता है तो हम इसकी मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं। मूविंग एवरेज का इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेज बेस्ड ऑन लेट्स से 10 डेज पे 256 और करंट स्टैंडिंग 257, मींस कि इसने अपनी 10 डे मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट दिया है। तो 10 डे मूविंग एवरेज 256 वुड बी अ सपोर्ट लेवल। अगर 50 डेज पे देखें, 50 डेज बहुत हाई है,
रिड्यूस करके 20 डेज पे लाते हैं। सो 20 डेज की बेसिस पे अगर मार्केट स्टेबल रहती है तो दिस स्टॉक वुड टच 303, और साथ में अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल होती हैं और इंक्रीजिंग ट्रेंड पे रहती हैं तो ये स्टॉक ऊपर जाएंगे, वरना नहीं जा सकते, क्योंकि जितने भी ENP सेक्टर है पूरा का पूरा वो लिंक है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस से, उनकी रेवेन्यूज। तो अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस डिक्लाइन होंगी तो इनकी रेवेन्यूज पे डेंट पड़ता है, और जिसका इम्पैक्ट उनकी अर्निंग्स के ऊपर नज़र आता है। तो आई सोल्ड लक 312, विल गेट अपॉर्चुनिटी टू बाय बिलो दिस और नीड टू बाय करंट लेवल। ओके जी, लक का भी आपको बता देते हैं। लक को आप करंट लेवल पे बाय कर सकते हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि इसका स्टॉप लॉस आपको जो है वो 300 एंड अभी करंट स्टैंड कर रहा है 331। अगर लक को आप करंट लेवल पे बाय करते हो देन यू मस्ट पुट योर स्टॉप लॉस बिलो दिस लो, जो कि लास्ट उसने यहाँ पे ये वाला जो लो बनाया था, लास्ट तो नहीं है बट ये वाला जो लो बनाया था, दिस वुड बी योर स्टॉप लॉस। तो मेक इट वेरी क्लियर कि अगर आप इसके अंदर पोजीशन लेने जा रहे हैं तो आपका स्टॉप लॉस का ऑर्डर ज़रूर लगा होना चाहिए, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि भाई अगर इससे नीचे जाएगा 319 और 3.15, थोड़ा सा अगर आप वॉलीटिलिटी को ऐड कर लो तो 315 का लेवल आप रख सकते हो कि यहाँ 315 से नीचे जाए तो मैं इसके अंदर से एग्जिट ले लूँगा, इसके अंदर होल्ड नहीं करूँगा अपने आप को, ताकि लिक्विडिटी मेरे पास जो है वो मेनटेन रहे, रादर देन कि मैं सिर्फ एक 2-3 रुपये के लिए जो है वो रिस्क लूँ और वो बहुत ज़्यादा लॉस बेयर करना पड़े। उसके बाद अगर इसने इस लो को भी ब्रेक किया जो कि है आपका 305 का लो, तो यू कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक विल फर्दर डिक्लाइन, और वो जो डिक्लाइन होगा लेट से वीकली बेसिस पे हमें कोई सपोर्ट नज़र आ रही है इसकी, अगर हम ये देखें, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो इसके बाद जो इसकी नेक्स्ट सपोर्ट नज़र आ रही है दिस इज़ अराउंड 296, तो जो इसकी एक वीकली बेसिस पे हमें यहाँ पे सपोर्ट नज़र आ रही है 296। सो दिस इज़ वीकली बेसिस सपोर्ट, कि अगर इसको ब्रेक करता है तो ये स्टॉक जो है 296 तक जा सकता है। तो आई होप इट्स क्लियर कि आपको जो है यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करनी चाहिए बट कीपिंग योर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। और कोई क्वेश्चन किसी का जो कि आप पूछना चाहते हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, मेरे पास 8 लोग हैं और लाइक सिर्फ और सिर्फ 7 हैं, तो प्रेस द लाइक बटन एज सून एज पॉसिबल। इट्स अ लाइव स्ट्रीमिंग, इट्स नॉट अ वीडियो, ये स्ट्रीमिंग आपके पास अवेलेबल होगी हमारे चैनल पे, आप उसको बाद में भी देख सकते हो, लेकिन इट्स अ लाइव शो। अस्सलाम वालेकुम सर, टेक्निकल एनालिस्ट UBL प्लीज। ओके आनंद कुमार साहब UBL। सो बैंक्स के अंदर जो है इंटरेस्ट रेट का कट डाउन आया, ये एक पॉजिटिव साइन है। पाकिस्तान दुनिया भर में जो है यूजुअली अगर इंटरेस्ट रेट का कट डाउन होता है तो बैंकिंग देखने में नेगेटिव आता है, लेकिन हमारे यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट का कट डाउन हुआ है तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो ये होता है कि जो आपके पास NPL है, नॉन परफॉर्मिंग लोन्स है बैंक के, वो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स जो है वो उनका जो क्वांटम है वो श्रिंक होता है, उनकी जो प्रोविजन है वो रिवर्स किए जाते हैं वापस से, जो उन्होंने प्रोविजन रिकॉर्ड किए होते हैं, तो उससे बैंक की जो अर्निंग होती है उसके अंदर फ़ायदा होता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, प्लस यहाँ पे जब इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन करेगा तो बैंक का जो एडवांसेस साइड है वो स्ट्रॉन्ग होगा, बैंक ज़्यादा से ज़्यादा लेंडिंग कर सकता है, एडवांसेस दे सकता है, तो उससे बैंक के जो ओवरऑल जो नंबर ऑफ एडवांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे, तो ये फ़ायदा होता है बैंकिंग सेक्टर को। तो इसलिए जो हम अगर लास्ट 5 ईयर्स के अंदर देखें जब इंटरेस्ट रेट सबसे लोवेस्ट था तो उस टाइम पे बैंक्स ने बहुत ज़्यादा ऑटोमोबाइल लोन्स और होम फाइनेंसिंग और अदर प्रोडक्ट्स अपनी लॉन्च की थी, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लैंडिंग की थी। सिमिलरली अगर इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड कर सकते हैं, लोवेस्ट कॉस्ट पे ज़्यादा बोरोअर जो है बोरिंग करते हैं, तो बैंक की अर्निंग जो है वो स्टेबल रहती है। तो अगर हम इसकी बात करें UBL का, तो UBL इज़ ऑल्सो अ गुड अपॉर्चुनिटी एट द मोमेंट इफ इट्स स्टे अबव फ्रॉम दिस इज लेवल, लेट मी कैलकुलेट इट। सो दिस इज द लेवल
आपके लिए कैलकुलेट करें, 89.44 प्लस 96.14 प्लस 16 प्लस 96.14 सो 92.47. सो इफ दिस स्टॉक इज स्टे अबव 92.47, लेट मी प्लेस इट हियर. आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हो. इसको आप देख लीजिए कि बाइंग करने के लिए आपका एंट्री लेवल जो है वो ये होगा कि अगर इफ स्टे अबव, आई होप इट्स क्लियर, कि अगर एंट्री लेवल जब होगा, जब ये इस लेवल से अबव पे रहेगा, इस 92 एक्चुअली सेट 92, सो दिस इज द लेवल. तो अगर ये इससे ऊपर रहता है तो आप इसमें लॉन्ग एंट्री बना सकते हो, और बाय कीपिंग योर स्टॉप लॉस बिलो 80, दिस इज द लेवल, दिस इज द स्टॉप लॉस. This is the stop loss area. So 87.49 का stop loss रख के आप इसके अंदर entry ले सकते हो, और higher side के chances जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं. तो अगर initially higher side पे जाता है तो you can expect around 100 to 104 अगर ये higher side पे जाता है, क्योंकि indicators काफ़ी ज़्यादा इसके oversold position के अंदर हैं. तो यहाँ से ये जब रीबाउंड करेंगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है आप बना सकते हो यूबीएल स्टॉक के ऊपर. तो एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? थैंक्स. एफएफबीएल, ओके, एफएफबीएल को भी देख लेते हैं जल्दी से. एफएफबीएल, अब बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं दे कुड बी आर बॉटमिंग आउट. जैसे कि ये वाला स्टॉक अगर हम देखें तो दिस इज अ काइंड ऑफ बॉटम आउट, कि इन्होंने अपना लो बना लिया है. अब ये जो है यहाँ से अपवर्ड की तरफ शिफ्ट करेंगे. सो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि अगर ये इससे अबव रहता है, अब आप ये देख सकते हैं इसकी क्लोजिंग इस लेवल से 12.61 से अबव होना बहुत ज़रूरी है, ताकि बुल्स जो हैं वो इसके अंदर अपनी एंट्री ले सकें. अगर ये इस लेवल से बिलो पे रहता है तो फिर बुल्स की एंट्री लेना जो है काफ़ी जो है वो वॉलनरेबल होगा, क्योंकि स्टॉक के अंदर जो है इतना ज़्यादा बुल मोमेंटम जो है वो क्रिएट नहीं होगा. और बाय चांस अगर ये स्टॉक इससे ऊपर ट्रेड होता है इस लेवल से, लेट सपोज इस लेवल से दिस कुड बी अ रेजिस्टेंस लेवल, तो अगर इससे ऊपर ट्रेड होता है तो यू कैन सेट योर इनिशियल अपसाइड टारगेट दिस मच 14.38. This would be your first target. जो कि आप इजीली अचीव कर सकते हो, ऑलमोस्ट 14.38. सो ऑलमोस्ट आपके पास 1.5 से 2 रुपए का जो गेम है वो आप इस स्टॉक के अंदर बना सकते हो फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. और अगर इस टारगेट को भी सस्टेन करता है तो देन यू कैन एक्सपेक्ट 15.19 विच इज आर 20 डे मूविंग एवरेज ऑफ दिस स्टॉक. अगेन टेक्निक मोमेंटम इंडिकेटर्स आर शोइंग पॉजिटिव साइन, सो इट्स गुड. ओके, एनीथिंग एल्स जो आप पूछना चाहते हो? क्लियर सर, थैंक यू सो मच. बीओपी के लेवल्स बता दें शाही साहब. ओके, बीओपी को भी देख लेते हैं. बैंक ऑफ पंजाब, सो बैंक ऑफ पंजाब जैसे कि आपके सामने हैं ये दोनों लेवल्स, गुड. दिस इज ऑल्सो टर्निंग टू पॉजिटिव, वेरी वेरी गुड. सो नाउ यू कैन एक्सपेक्ट कि इसको इसका एक अगर छोटी सी हम लाइन ड्रॉ करें कहाँ तक जाती, सो दिस इज द लाइन, और अगर हम इस लाइन को ड्रॉ कर दें now you can expect this is the support area.
कि अगर अब बीओपी के अंदर डाउनफॉल आता है तो दिस लाइन विल बी प्लेड एज अ सपोर्टिव रोल। तो ये 7 रुपीज़ का जो है यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉन्ग एंट्री बन सकती है इस स्टॉक के अंदर। और ये भी ख्याल रहे कि 6.97 दिस इज़ योर बिल, दिस लेवल बिलो इज़ योर स्टॉप लॉस, दिस लेवल बिलो इज़ योर स्टॉप लॉस। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप यहाँ पे लॉन्ग एंट्री अपनी क्रिएट करते हो तो आपके पास जो अपसाइड की चांसेस हैं, दिस इज़ 9.65 और 9.71 जो कि इसका 20-day मूविंग एवरेज है। तो दिस स्टॉक वुड गो अप इनिशियली बाय एट दिस लेवल। सो आपके पास जो है वो चांसेस हैं कि स्टॉक जो है यहाँ पे अप्रोच करेगा ऑलमोस्ट 9 रुपीज़। तो यू हैव मार्जिन ऑफ 2-3 रुपीज़ एट दिस मोमेंट। तो अगर मार्केट के अंदर प्रेशर आता है और ये स्टॉक 7 रुपये पर डिक्लाइन करता है 7 रुपये तक, तो आप इसके अंदर लॉन्ग एंट्री बनाने का सोच सकते हो। आई होप इट्स क्लियर। एनीवन एल्स जो कि पूछना चाहता है और कुछ, तो वो पूछ सकता है बिल्कुल। चैट पे बातें करते रहें ताकि आप मेरे साथ रहेंगे, आपको भी ज़्यादा जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी के बारे में पूछ सकते हैं और हमारा ये सेशन भी काफ़ी इंटरेक्टिव रहेगा। तो चैट पे आपको मेरे साथ रहना होगा ताकि आप मुझे बताते रहें। तो कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का भी हमारे साथ में किसी के पास, तो ये देख लेते हैं। तो चलिए इस स्ट्रीम को यहीं पे एंड करते हैं, उसके बाद हम आएंगे दोबारा से जिसके अंदर आपसे दोबारा से बात करेंगे और वहाँ पे जो है ऑलमोस्ट होपफुली और ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन करें। तो इस स्ट्रीम को यहीं पे एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।